रूप साधना। रूप साधना एक तरह का ध्यान है जिसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई लाभ होते हैं। यदि किसी मनुष्य के रूप की साधना प्रबल मन के साथ की जाए तो आप जिस भावना के साथ उसके रूप का ध्यान करेंगे उसी के अनुरूप उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। किसी व्यक्ति के विचार बदलने हो, द्वेष मिटाने हो, मधुर संबंध उत्पन्न करने हो, बुरी आदतें छुड़ाने आदि के प्रयोग इसी साधना के आधार पर होते हैं। तांत्रिक लोग विशेष कर्मकांडों एवं मंत्रों के द्वारा किसी मनुष्य का रूप आकर्षण करके उसे रोगी, पागल एवं वशीभूत कर लेते हैं इसी साधना के माध्यम से। दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण, वेदमाता, गायत्री या सरस्वती, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका सबसे सुंदर चित्र या मूर्ति हो उसे ले लीजिए। आप एकांत जगह में ऐसी जगह बैठिए जहां पर्याप्त मात्रा में उजाला हो। इस चित्र या प्रतिमा के अंग प्रत्यंगों को मनोयोग पूर्वक देखिए, ध्यान से देखिए, विशेषताओं को खूब बारीकियों के साथ देखिए। उनकी आंखें कैसी हैं, उन्होंने कौन कौन से वस्त्र आभूषण धारण किए हैं आदि सब कुछ। एक मिनट इस तरह से देखने के बाद नेत्रों को बंद कर लीजिए। अब उस चित्र को, उस रूप को ध्यान कीजिए और जो बारीकियां, विशेषताएं आपने चित्र में आंखें खोलकर देखी थी उन सबकी कल्पना शक्ति के द्वारा ध्यान में चित्र में आरोपित कीजिए। फिर आंखें खोल लीजिए। आंखें खोलने के बाद उस शरीर को ध्यान से फिर से देखिए और मन ही मन ओम का जाप भी करते रहिए। इस प्रकार बार बार करने पर वह रूप आपके मन में बस जाएगा। उसका दिव्य नेत्रों से दर्शन करके बड़ा ही आनंद आएगा। धीरे धीरे इस चित्र की मुखाकृति बदलती हुई आपको महसूस होगी। हंसती, मुस्कुराती, नाराज होती, उपेक्षा करती हुई भाव भंगिमाएं दिखाई देगी। यह प्रतिमा स्वप्न या जागृत अवस्था में नेत्रों के सामने एकदम से आ जाएगी। और कभी ऐसा अवसर भी आता है जिसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी कहा जा सकता है। यानी यदि आप इसको लगातार कुछ समय तक करेंगे तो आपको देवी का, भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार भी हो सकता है। आरंभ में यह साधना धुंधली होती है। जो भगवान का साक्षात्कार है वो धुंधला होता है, स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे ध्यान जब सिद्ध होने लगता है तो वह छवि अधिक स्पष्ट होने लगती है। पहले दिव्य दर्शन ध्यान क्षेत्र नेत्र में ही रहता है, फिर धीरे धीरे प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगता है। कुछ समय लगातार इस साधना को करते रहने से प्रतिमा साक्षात दर्शन देने लगती है और उस आकृति की अपनी अलग सत्ता बन जाती है। आप इस साधना को करें और लाभ उठाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।